हाय फ्रेंड्स, तो आज के अपने सेशन में हम जानने वाले हैं कि स्पाइडर राडार चार्ट कैसे बनाया जाए एक्सेल में, जो कि बहुत ही आसान है। आप भी ऐसा राडार चार्ट एक्सेल में बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं और अपनी सारी चीज़ें बहुत ही आसानी से प्रेजेंट कर सकते हैं मैनेजमेंट को। तो बेसिकली राडार चार्ट हम बनाते क्यों हैं और स्पाइडर क्यों बनाते हैं? तो दोस्तों, जब हम कभी भी कहीं भी मान लीजिए किसी की ऑडिट करते हैं और उसमें बहुत सारे क्लॉजेज होते हैं, तो उसमें यदि स्कोर दिखाना हो कि कौन से एरिया में कितना स्कोर हमने गेन किया है, तो स्पाइडर के थ्रू यदि दिखाया जाए तो बहुत ही अच्छा प्रेजेंट कर पाते हैं हम लोगों को, जिसको आप दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, जैसे कि मैनेजमेंट को या जिसकी आपने ऑडिट करी हो। बेसिकली इसका पर्पज़ ये होता है कि जहाँ जितना स्पाइडर बना हुआ है सारा कवर्ड होना चाहिए। जैसे इस कलर से ग्रीन ब्लू कलर से है तो सारा ही कवर्ड होना चाहिए, बट जितना कवर्ड नहीं है इसका मतलब ये है कि इस क्लॉज में आपके नंबर इतने कम हैं, इस क्लॉज में आपको इतना स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है, यहाँ पे आपका इतना स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है, या कि आप जिस भी पर्पज़ से स्पाइडर राडार चार्ट बना रहे हो तो उस पर्पज़ में इसका वैसे यूज आप कर सकते हैं। और इस बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। लोग जब देखते हैं इसको तो बहुत वो समझते हैं कि बहुत डिफिकल्ट होगा बनाना, लेकिन मैं आपको आज बताऊंगा, बस इस 2 मिनट में आप ऐसा बेहतरीन राडार चार्ट बना सकते हैं और अपनी मैनेजमेंट को दिखा सकते हैं। तो चलिए, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आपको बताता हूँ कि स्पाइडर आप कैसे बना सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ये लीजिए, इसको मैंने डिलीट कर दिया। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने MSIL जो VSA की ऑडिट होती है उसके मैंने क्लॉजेज लिए हुए हैं, जो कि 14 क्लॉजेज हैं, और यहाँ पे मैंने कुछ स्कोर अपने अकॉर्डिंग ऐसे ही डाल दिया है। यहाँ पे आप जो भी कंटेंट के लिए, जिसके लिए भी आप स्पाइडर बनाना चाहते हैं, वो कंटेंट रख सकते हैं। जरूरी नहीं कि इसमें आपके 14 कंटेंट हो, जितने भी आप कंटेंट रखना चाहें उतने कंटेंट आप रख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि अब आपको स्पाइडर कैसे बनाना है। तो स्पाइडर, जिसका भी आप स्पाइडर बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको सारी चीज़ें पोर्शन को सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आप, और ये पूरा आपने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद आपको इंसर्ट में जाना है। इंसर्ट में जाने के बाद आपको यहाँ पे क्रिएट चार्ट में टैब खोलनी है, टैब में नीचे जाना है, और नीचे आप देखोगे तो इसमें राडार चार्ट आपको दिखेगा। अब इसमें आप देख रहे हैं आपको कई तरह के राडार चार्ट दिख रहे हैं, तो इसमें आपको बस सिंपल इसको क्लिक कर देना है और यहाँ पे ओके कर देना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि आपका राडार चार्ट ऑटोमेटिक बन के आ गया, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ा, कोई स्टाफ हेड्स आपको नहीं लगाने पड़े, और देखिए आपका सिंपल सा ये राडार चार्ट बन के आ गया। आप इसको यहाँ से चाहें तो इसको डिलीट कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे आपको सिंपल पता चल रहा है कि कहाँ पे कितने कितने मार्क्स आपने अब्जॉर्व किए। यहाँ से मार्क्स आप जो चाहें आप चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे 90 करूँगा तो ये अब चेंज हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अब इस 75 को आप 55 करना चाहें तो आपके 55 हो जाएगा। इसको आप यदि 30 कर देते हैं तो 30 हो जाएगा। तो इस तरह ये आपका प्रेजेंटेशन जो है बहुत ही अच्छी अब आप यहाँ से कर पाएंगे इस टाइप से। इसका यदि आप कलर चेंज करना चाहते हैं स्पाइडर का, इसका कलर भी आप चेंज करना कर सकते हैं। यहाँ पे आप सिंपल इसके ऊपर क्लिक करें और होम में आप यहाँ पे जाएं, कलर में जो कलर आपको पसंद हो वो कलर आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस टाइप से दोस्तों आप स्पाइडर रेडी कर सकते हैं, बना सकते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल है और बहुत ही आसान है एक्सेल में स्पाइडर बनाना। और यहाँ से यदि आप इसमें कुछ, दोस्तों इसमें आप यदि कुछ टाइटल लिखना चाहते हैं, तो टाइटल लिखने के लिए आपको सिंपल इसमें आपको क्लिक करना है, लेआउट में जाना है, चार्ट टाइटल में जाना है, और यहाँ से आपको टाइटल सेलेक्ट कर लेना है। ये जैसे यहाँ पे टाइटल आ गया, और इस पर आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे आपने अभी स्पाइडर बनाया था, यहाँ पे स्पाइडर लिख सकते हैं, इसको अपने अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर सकते हैं, जहाँ भी आपको रखना हो वहाँ आप इसको रख सकते हैं।
ये देखिए, कोई यदि कलर देना है तो होम में जाके यहाँ आप उसको कलर फिल कर सकते हैं जो आप कलर चाहें। ये देखिए कितना बेहतरीन आपका स्पाइडर स्पाइडर दिखने लग गया है, और इसको आप सेव कर दें। तो दोस्तों आई थिंक कि आज आपको स्पाइडर बनाना आ गया होगा, और आप इन फ्यूचर अपने अकॉर्डिंग जैसा भी आप स्पाइडर चाहें तो स्पाइडर आप बना सकते हैं। तो दोस्तों हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप जरूर बताएं कि आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, और यदि कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। अभी तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।